नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों भाइयों, जैसे कि आज हम बहुत दिनों बाद आज मैं आपके साथ आया हूँ और ये वीडियो मैं इसमें अपनी आवाज़ दे रहा हूँ। बहुत टाइम से थोड़ा सा काम था, इस वजह से बिजी था, मैं नहीं आवाज़ दे पा रहा था वीडियो पे, और तो मैं ऐसी वीडियो अपलोड कर देता जिससे आप लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इसमें आपको पूरा अपना रूम अभी दिखाऊँगा और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने अभी क्या क्या काम अभी अपने प्लांट में कर लिया है और क्या क्या काम अभी हमारा बचा हुआ है। दोस्तों, इसकी मैं पूरी ब्रीफली जो कॉस्ट की वीडियो, क्योंकि मेरे से कई भाई सवाल पूछ रहे हैं कि ये इसका कितना कॉस्ट आपके अभी प्लांट का आया है। तो दोस्तों, अभी मेरा प्लांट का काम पूरा हुआ नहीं है, अभी प्रोसेस के अंदर है और अभी पैसा खर्च हो ही जा रहा है और हम अभी काम करवा ही रहे हैं। तो इस वजह से मैं अभी पूरा आपको बजट नहीं बता पाऊँगा। जब मेरा पूरा प्लांट रेडी हो जाएगा तो मैं पूरा डिटेल वाइज आपको ए टू जेड पूरी आपकी जो इसकी कॉस्टिंग है प्लांट की, चाहे वो छोटा से लेकर बड़े तक की, वो मैं आपको पूरी बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस चीज़ को, जैसे सपोज अगर मैंने अगर एक रुपये कहीं खर्च कर दिए हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहली बार लग रहा है ये प्लांट, तो मुझे आइडिया नहीं था जहाँ मैं एक रुपये ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ और जहाँ आप एक रुपये उसको बचा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मेरी पूरी कॉस्टिंग वाली वीडियो बनेगी। तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको उसको आप पैसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अब मैंने एक रूम बना लिया है तो मुझे अब आइडिया पता चल गया है कि अब नेक्स्ट रूम में पैसा थोड़ा कैसे कम कर सकते हैं। तो आइडिया दोस्तों तभी आता है जब आप प्रैक्टिकली कुछ करते हो, तभी आपका दिमाग चलता है या आपकी कॉस्टिंग पूरी पता चलती है एग्जैक्टली क्या लगती है कॉस्टिंग। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी कल मैंने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट के अंदर मैंने ये आप सबसे राय मांगी थी कि क्या मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे से पूरे साल भर से लोग मुझे काफ़ी मेल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें ट्रेनिंग दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का जो रिस्पांस है, जो प्यार मुझे मिला है, जिसके अंदर अभी 85% लोगों ने बोला है कि हाँ आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसी अगर मुझे मिलती रहेगी तो ज़रूर मैं अपना जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी मुझे जानकारी है, वो मैं आप लोगों को साझा करता रहूँगा। तो अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं ट्रेनिंग का सेशन लाइव चालू करूँगा और बहुत ही जल्द मैं अपने प्लांट पे भी, अब जैसे काफ़ी भाइयों ने बोला है कि सर हमें आपके प्लांट पे आना है, देखना है, तो मैं अपने प्लांट पे भी अब विजिट जल्दी कराऊँगा जैसे कि थोड़ा सा कोविड सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए, उसके बाद से मैं अपने प्लांट पे भी ट्रेनिंग सेशन जल्दी स्टार्ट कराऊंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि कल से हम पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड होने से, तो मैं काफ़ी लोगों को तो नहीं अभी एकदम से कर सकता, तो बट जो हम अभी जो कल का जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो अभी खाली 10 लोगों का बैच होगा, 10 लोगों के बैच से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो 10 लोग हैं उसको मैं अपने फ़र्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेसिस पे ही उनको अपनी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में लूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे ही आप हमें अपना जो भी आप कमेंट करेंगे जो इस वीडियो पे सबसे पहले, और अपना नंबर शेयर करेंगे, उन लोगों को मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर प्रोग्राम में सबसे पहले 10 लोगों को चूज़ करूँगा। और दोस्तों, इस ट्रेनिंग पर मैं बता दूँ आपको कि फ़ायदा क्या होने वाला है, मैं आपको ये बताता हूँ। जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेंगे और जो मुझे से ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग देने के बाद मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, उस ग्रुप के अंदर दोस्तों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे साथ कि हम मशरूम तो पैदा कर लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि मार्केटिंग की, हम माल कैसे बेचें और कैसे अच्छे रेट पर हम इसको बेच सकें। तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे किसान भाई हैं, जो फार्मर्स हैं, जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में हमें रोज़ के रोज़ हमें मैसेज आते हैं मॉर्निंग के अंदर कि हमारे जो स्टेट का जो रेट है वो क्या है और क्या नहीं है। तो उस केस से हम हमारी मशरूम जिस जगह पर अच्छी रेट बिकेगा हम उस जगह में अपनी मशरूम को बेच सकते हैं, दे सकते हैं अच्छे दाम पर। और इसके साथ साथ कि आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, जब भी आप अपना सीजनल का फार्म या तो एसी प्लांट चालू करेंगे तो मेरा पूरा साथ रहेगा आपको 24 आवर्स। जब भी अभी कोई प्लांट में दिक्कत होगी तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो दोस्तों, ये पूरी इसकी बेनिफिट्स आपको मेरे से ट्रेनिंग लेने का आपको फ़ायदा मिलेगा, जितनी मेरी नॉलेज है मैं पूरी कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि मेरा ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो कॉस्टिंग है, सबसे बड़ी बात है मशरूम फार्मिंग के अंदर अगर आपकी कॉस्टिंग कम हो जाए तभी आप इसमें अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ट्रेनिंग, देखिए आप बहुत से लोग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मिलता है, कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग मिलता है, बट सबसे बड़ी बात है कि आपका 2 पैसा कहाँ बच सकता है। 2 पैसा आपका तभी बच सकता है कि वो आपको इंसान जो
पहले से काम कर रहा हो और जो उसको चीज़ों को बारीकी पता हो वही आपके दो पैसे बचा सकता है दोस्तों। तो मेरा पूरी कोशिश है कि आपके दो पैसे मैं कैसे बचाऊँ, कम से कम खर्चा कैसे हो आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मशरूम के अंदर कैसे कमा सकते हैं, कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, वो मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर कोशिश रहेगी दोस्तों। तो मेरा भी पहला ट्रेनिंग सेशन है, स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छे के लिए, तो देखते हैं कि कैसे इसका प्रोसेस होगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इस वीडियो पे अपने मैसेज मुझे करिएगा, अपने नंबर, तो मैं उनको ऐड करूँगा। कल हम 10 लोगों से ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस फिर हम डे बाय डे हम 10-10 लोगों के ग्रुप में आगे बढ़ाते रहेंगे और चूज़ करते रहेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों अभी आपको ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आपको अपना प्लान दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये पहले आगे का शेड बनाया है, ये हमने पहले नहीं बनाया था। जो मैंने आपने पहले की वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें ये शेड नहीं बनी थी। ये जो शेड है मेरी, ये 8 फीट इसकी लेंथ है, इस शेड की 8 फीट यहाँ से लेके वहाँ तक 8 फीट की लेंथ है। और आपने जैसे पहले देखा था कि मैंने ये जब रूम के आगे का मैंने खाली 3 फीट आगे किया था, बट मैंने अभी 4 फीट इसमें और बढ़वा दिया है, क्योंकि ये हमें एक प्रॉपर एक रूम बनेगा ये हमारा। अभी ये जो हमारी पोल है यहाँ से उधर तक इसको अभी ये भी कवर होगा। ये आप देख रहे हैं अभी हमने ये परसों ये अपनी ये दीवार खड़ी करवाई है। ये दोस्तों दीवार इसलिए खड़ी कराई है क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक का पैनल है, जो बिजली का पैनल है बोर्ड का, वो इस तरफ लगेगा। इस जगह पर हम इसको इलेक्ट्रिक का पैनल, जो कंट्रोल पैनल पूरा बनेगा, वो हम यहाँ लगाने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये दीवार यहाँ खड़ी करी दोस्तों। दोस्तों ऐसा है कि देखिए करने के लिए आप मैं यहाँ पर भी दीवार खड़ा कर सकता था, बट अभी ऐसा है कि अगर आप कम से कम थोड़ा खर्चा करें, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत पैसा लग चुका है इसके अंदर, तो अभी हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। हम आगे टाइम पे हम इसको आगे दीवार बनाएंगे, बट अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें टेम्परेरी जुगाड़ करके इसको हम कवर करने वाले हैं और यहाँ से हमारा एंट्री एग्जिट का जो गेट है वो यहाँ होने वाला है। और अब ये देख रहे हैं कि जैसे कि ऊपर ये टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा हमने दूर इसलिए बनवाया कि कोई भी इसको मतलब आते आते टच ना कर पाए, थोड़ा सा ऊपर हाइट इसलिए हमने इसकी बनवाई रखी है। जैसे कि अभी देख रहे हैं हमारा गेट है, अब हम आपको दिखाते हैं गेट के अंदर। ये अभी हमारा बेड का काम कल परसों से स्टार्ट होगा दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 3-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है और बारिश वजह से सारा काम हमारा रुक गया था 3-4 दिन, तो थोड़ा आज मौसम खुला हुआ है तो कल परसों से हमारा काम चालू होगा दोस्तों। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अभी हमारा रूम पूरे हिसाब से है और अभी ये एक्सेप्ट हो गया है, बन गया है। ये हमारी जो है इंडोर यूनिट लगी हुई है, जो ब्लू स्टार की है इंडोर यूनिट, वो कुछ इस हिसाब से हैंग हो रखी है। ये देखिए ये बॉक्स पड़ा ब्लू स्टार का, ये देखिए दोस्तों। जैसे कि देखिए ये रूम जब बन जाता है, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ जो जैसे कोई भी ग्रोवर जल्दी बताता नहीं है, क्योंकि अब ये मैंने हमने रूम बनाया है तो मुझे इसकी चीज़ें पता चली हैं, पहले मुझे भी नहीं पता था। और ये मेरा एडिशनल खर्चा हो गया इसके अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो एडिशनल खर्चा क्या हो गया। जैसे कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था और जो हमने क्या कहते हैं अपनी कॉस्टिंग बनाई थी, उस कॉस्टिंग में ये सब चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी, बट ये एडिशनल ऐड हो गई है। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो प्रोजेक्ट में नहीं होती हैं, बट जब आपका काम चलता है तो आपका वो खर्चा एडिशनल बढ़ जाता है, वो आपको पता नहीं होता है, तो बजट आपका पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इसमें से कुछ पॉइंट आज मैं मेजर पॉइंट आपको बता दूँगा, जिससे क्या है कि जो एडिशनल खर्चा हो जाता है और वो सतर्क रहें। बट जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ना सारी चीज़ें बताऊंगा, डिजाइन पूरा खर्चा क्या होता है और इसमें क्या क्या काम है, A to Z क्या क्या काम कराना पड़ता है एक रूम बनाने के लिए, तो वो मैं चीज़ें बताऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल में दो तीन पॉइंट हैं जो मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ कि जो खर्चा आपके प्रोजेक्ट में या हमने नहीं लगाया होता हिसाब किताब बनाने में प्रोजेक्ट के अंदर, वो क्या एकदम से बढ़ जाता है। तो मैं दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं लोहे के मोटे मोटे, जो ये 4x4 के एंगल हैं, 4x4 के एंगल हैं, और यहाँ से देखिए जॉइंट रखे हैं पूरे, ये देखिए यहाँ से जॉइंट रखे हैं जिसको ये सपोर्ट मिली हुई है। देखिए ये दोस्तों ये जो एंगल है, ये आप लोहे का एंगल देख तो रहे हैं, बट ये जो एंगल है ये एक मतलब इसका जो कभी भी हमारे हिसाब में प्रोजेक्ट में हमें कभी बात नहीं हुई थी इस एंगल को लगाने की, ना ही तो वो कंपनी से बात हुई थी, ना ही तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में लगाया था। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये मेरे को 55,000 का पड़ा है, 55,000 रुपये का, और इसके साथ साथ इसकी वेल्डिंग की जो कॉस्ट है वो अलग है, ठीक है। ये एडिशनल मेरा खर्चा हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ
जब आपका ये पॉप पैनल बनता है दोस्तों, तो आपको एक सीढ़ियों इसे लोहे की सीढ़ियाँ या तो लकड़ी की सीढ़ी सपोर्टिव बनानी पड़ती हैं 10-12 फीट की, जैसे कि ये पॉप पैनल लग सके। क्योंकि मेरा जो ये रूम है ये 17 फीट इसकी हाइट है, इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो 17 फीट है नीचे से ऊपर तक, और यहाँ तक आते आते ये 15.5-16 तक हो गई है इस तरफ तक आगे आगे, क्योंकि ये ऐसे ड्रिल शेप है जैसे कि पानी ऊपर नीचे नीचे यहाँ पर आ जाए, तो पूरी इसमें ऊपर से ऐसी ढलाई बनी हुई है इसकी, तो ये हिसाब से बना हुआ है। तो ये जो खर्चा बता रहा हूँ 55,000 रुपये का मेरा ये एंगल आ गया। इसके अलावा जो आपकी इसके अंदर जो लेबर थी वेल्डिंग की लेबर, उसका पैसा अलग है, फिर एक जनरेटर आपको मंगाना पड़ रहा, हमने मंगाना पड़ा। इसके साथ साथ आपको उनके लिए 2-3 सीढ़ियाँ मुझे बनवानी पड़ी, जिसका लोहा मुझे अलग लेना पड़ा, वो भी अप्रोक्स 16,000 का एंगल आया, 1.5x1.5 का एंगल जो एल शेप था उसका मैंने ये सीढ़ियाँ बनाई, जिसकी अभी देख रहे टुकड़े मैंने कटवा दी हैं। इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, 3 सीढ़ियाँ बनाई थी जो 12-12 फीट की थी, इससे ये लोग चढ़ के इन्होंने पॉप पैनल को इंस्टॉल किया है, तो उसका खर्चा आ गया, मतलब मोटा मोटा 80-90 हज़ार का आपका खर्चा हो गया, जो आपको पता ही नहीं था, जो आपके प्रोजेक्ट में था ही नहीं, ना मैंने कभी इसकी कॉस्टिंग सोची थी, तो ये एकदम से आपके ऊपर पड़ गया। तो ये दोस्तों ये कुछ मैंने बताया है खर्चा जो एडिशनल हो गया, बट इसके अलावा ना काफ़ी ऐसे खर्चे हैं, वो मैं आपको ना एक प्रॉपर एक वीडियो जब बनाऊंगा लास्ट में, जब मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या एडिशनल खर्चा है सारा, वो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, जो आपको किसी ने कभी नहीं बताया होगा वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप ये रूम देख रहे हैं, अभी हमारा इसमें बेड लगेगा, बेड जब लग जाएगा हमारा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या लग रहा है, उसी में पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे यहाँ भी देख लें कि अब मैं आपको अपना बाहर की जो हमारी जो मशीन है, जो आउटडोर यूनिट है, अभी देखिए इसको इसे बंद कर देते, जो हमारी आउटडोर यूनिट है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ये जो रूम है, इसकी जो लेंथ है 40 फीट है लंबी, और जो हमारा आउटडोर है वो ये रहा, आउटडोर हमारा पीछे रखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा आउटडोर रखा हुआ है पीछे, और आप ये देख रहे हैं बड़ी सी मैंने जाली बना रखी है, ये जाली और ये स्टैंड बना हुआ है जो कि अंदर से ऐसे स्टॉल हो रखा है, और ये पूरी जाली है जिसके अंदर अब ये देख रहे हैं ताला भी लगा हुआ है दोस्तों। ये इसकी सेफ्टी के लिए हमने आउटडोर ऐसा रख दिया, बट ज़रूरी नहीं है अगर आपको ऐसा कराना है, ये मेरा एडिशनल मैंने ऐसा कराया है, बड़ी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आउटडोर खुले में ऊपर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा मैंने ये थोड़ा जाली बना दी क्योंकि ये हमारा मेन रोड है इस तरफ, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने ये थोड़ा सा, ये हमारे पास एंगल बचा था, ये वही एंगल है जो लगा हुआ है, ये वही एंगल है जिसकी हमने सीढ़ियाँ बनाई थी, मैंने बताया था 13 फीट की जो सीढ़ियाँ बनी थी 3-4, उसको ही हमने क्या कटवा कर हमने यहाँ पर जालियाँ बना दी हैं, वो एंगल इसका हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, और ये हमने ऐसा बना दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको बनवाना तो बनवा सकते हैं, अगर नहीं बनवाना तो कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हैं यहाँ भूसा पड़ा हुआ है, यहाँ भी भूसा पड़ा है, अभी हमारा 50 क्विंटल भूसा हमारे आगे भी पड़ा है खेत में, वो भी भूसा है जिसकी हम कंपोस्ट जल्द ही बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं पूरा इस तरफ ये है, जल्दी हम अपनी कंपोस्ट जल्दी बनाएंगे, कल परसों के अंदर हमारा कंपोस्ट का काम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फार्मिंग करनी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप मेरे साथ जुड़ें और ट्रेनिंग लें। तो जल्द से जल्द आप मैसेज करें और कमेंट करें और अपना नंबर शेयर करें, तो हम आपको संपर्क करेंगे जल्दी, और कल से हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।